अक्सर बिहार की रेलों में रूट कांड होती है, महिलाओं को अपहरण किया जाता है कि फेंक दिया जाता है, लेकिन आरपीएफ देखने के लिए नहीं होती। जो आरपीएफ बनाया गया है रेल यात्रियों की सुरक्षा करने के लिए, वो आरपीएफ अभी तक मौके पर मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो तमाम लोग हैं आक्रोशित है, और जो चोर है उसके साथ हर तरह से पेश आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मौके पर आरपीएफ को आना चाहिए था, आरपीएफ आकर के मामले को शांत करती और छानबीन करती, लेकिन अभी भी भारतीय रेल इतनी ज़्यादा व्यवस्था खराब है कि अभी भी आरपीएफ यहाँ पर मौजूद नहीं है। और आए दिन आरपीएफ के नहीं होने की वजह से भारतीय रेल में बड़ी दुर्घटना होती रहती है, जिसकी वजह से आम जिंदगियाँ परेशान रहती है, रात को आराम से सफ़र नहीं कर पाती है ताकि उनका यात्रा मंगलमय हो और आसानी से चल सके। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखिए कि इतना एक घंटा के आसपास इस ट्रेन को यहाँ लगा हुआ हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी आरपीएफ यहाँ नहीं है, ना ही ट्रेन को यहाँ से परिचालन करके बड़े स्टेशन बरौनी जंक्शन पर ले जा रहा है। एक सुनसान में जगह है, ये सुनसान सी स्टेशन है बरौनी बाईपास, जहाँ पे गाड़ी लगी हुई है, और चोरी करना यहाँ के लिए आम बात है, क्योंकि चोर चोरी करके आराम से यहाँ से फरार हो सकते हैं या फिर किसी भी घटना को अंजाम दे करके आराम से फरार हो सकते हैं। धन्यवाद। तुम्हारे पास तुम चोरी नहीं किया तू? एक मिनट ये बात बताओ, एक आदमी के पास चार मोबाइल, हम लोग इतने आदमी है ना, सब युवक है, बुजुर्ग है, अतुल बैग लगा है। एक मिनट, तुम कौन सा बिजनेस करते हो जो तुम्हारे पास चार गो मोबाइल है, तीन गो मोबाइल है? ना हमको पास है। देखे सर, हम झूठ नहीं बोल रहे, पकड़ लेते थोड़ा के लिए, जैसे निकाला ना भागना शुरू किया उसके मोबाइल मिला, एक आदमी को दे दिए हम लोग मोबाइल, दे दिए। देखिए मेरा मोबाइल। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार। बहुत ही संगीन मामला है और अभी मैं कटिहार से चल के बरौनी पहुंचने वाली मेमू ट्रेन में हूं, जो कि कटिहार से शाम के 6 बजे चलती है और बरौनी का समय रात्रि के 11 बजे है। अभी बरौनी मेन बरौनी नहीं पहुंची है, बरौनी बाईपास में ट्रेन लगी हुई है। लगभग आधा घंटा से ऊपर का समय हो गया है और गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है। इसी बीच रात्रि का समय है, ज़्यादातर यात्री गाड़ी में नहीं है, सभी लोग आराम कर रहे थे। इसी बीच दो युवा है यहाँ पे और बहुत सारे और भी युवा है, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेन में हल्ला हो रहा था। मेरा भी नींद खुला और मैं भी उठ गया हूँ कि आखिर मामला क्या है। तो आखिर बताते हैं कि मामला क्या है, किस लिए इतनी ज़्यादा शोरगुल हो रही है और क्यों लोग आक्रोशित हो रहे हैं, क्या मामला है भाई? देखिए क्या है, हम लोग असम राइफल से भर्ती से आ रहे हैं, समझे ना भाई, मारेंगे बहुत, मारा समझ रहा हूँ, ये देखा चोरी करते हुए दोनों, समझे ना, हम लोग दौड़ के इसको पकड़े, हम इसको पकड़े, ये इसको पकड़े, मोबाइल दो दो तीन मोबाइल था, तो तीनों बार फेंक दिया हमारे से, मोबाइल चुन गया, दोनों पकड़े, बहुत मारे अभी। अच्छा मोबाइल से पूछ, कौन चोरी किया? मोबाइल दोनों बार फेंक दिया। हमारा तो बेगूसराय से मालूम पड़ा, उन्हीं जाना हम अकेले हैं, इसको चिन्हबो नहीं करते, पैर में टक्कर मारते हुए भाग रहे थे, लेकिन हमको समझ नहीं, भाग रहे हैं कहाँ, भागते तो दौड़ के नहीं जाते, हमने बरौनी जा रहे थे, हम जा रहे बरौनी, मेहनत करते हैं, बेलदारी करते हैं, नहीं हम नहीं चुराते हैं, नहीं मेरा सब, हमको इनके मोबाइल से, इनके बैग से तीन मोबाइल निकला है, ये तीन चार मोबाइल बाहर फेंके हैं, मोबाइल इसको तो हम चिन्हबो नहीं करते भैया, हम बेगूसराय सारा खातोपुर से, खातोपुर में घर में रहते हैं किराया पे, ठीक है, मुकामा घर हुआ मेरा, देख सकते हैं, हम मोना मुकामा घर हुआ प्रॉपर, ठीक है, हम खातोपुर में, खातोपुर किराया पे घर पे रहते हैं, नहीं है तो आप पता कर सकते हैं, देखिए मुकामा रहते हैं, मोहम्मद बिट्टू आलम इनका नाम है, हाँ मुकामा में रहते हैं, गलत थोड़ी बोलेंगे भैया, मुकामा के रहने वाले हैं, आरोप है कि इन्होंने चोरी किया और तमाम जो लोग हैं, चल तुम घुमा के दिखाओ, तमाम जो लोग हैं सभी लोग कह रहे हैं कि इन्होंने चोरी किया है, इनके पास अभी कितना मोबाइल निकला है, कौन कौन से फोन है इसके पास, इसके पास कौन कंपनी का ये सारा मोबाइल, इसी के पास निकला है, दो लोग है, तीन मोबाइल है, मेरा भी मोबाइल, पर्स मिल था मेरा, आपका पर्स क्या हुआ, ले गए हम, नहीं मिला, कहाँ मिला मेरा पर्स, नहीं आई नहीं मिला, मोबाइल में नहीं मिला, रात्रि का 11 बज रहा है, बिहार में ज्यादातर जो ट्रेनें हैं रात में जब चलती है तो ट्रेनें सुनसान हो जाती है, और जो
रक्षा करने वाले जो प्रहरी है आरपीएफ है, आरपीएफ मौजूद नहीं होते, अभी बरौनी स्टेशन पे हैं, बरौनी बाईपास पे, और अभी तक जो तमाम युवा है यहाँ पे चोरी होने के बाद आरपीएफ से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आरपीएफ बरौनी इस ट्रेन में नहीं आ पाई है और तमाम युवा आक्रोशित है। इस 4500 रुपया था जिन लोगों को चोर बताया जा रहा है, इन लोगों के साथ बताया जा रहा है कि 3 से 4 भी मोबाइल निकला हुआ है। ये भाई जी आप देख सकते हैं इनका शकल, ये भी भाई है, कितना मोबाइल निकला आप लोग बताइए, 4 मोबाइल और 3 इन्होंने फेंक दिया बाहर, जिसमें से एक मिल गया है 4500 रुपया कैश भी है, एक पर्स को भी गुम किया है। पर्स क्या किए? हम लेवे नहीं किए सर, जब तक इसका जो सभी लोग मुखबिर है कि आपने फेंका, जैसे सुनिए ना, हमने नहीं फेंका, साथ में हम अलग जा रहे, ठीक है, आप बैठे हुए हम भी बैठे हुए, तो हम जा रहे, तो ये सोचा कि भाग रहा, सोचिए इनका पर्स क्या हुआ? अच्छा पूछिए, हम लिए हैं, हम सच वो किए हैं, इसमें हम तो अलग बैठल थे, जो चोरी करेगा उससे भैया हमारे पास कुछ इकला, बोलिए कहाँ गया इनका पर्स, पर्स दीजिए, मेरे पास कुछ इकला है, पर्स दीजिए, आप हमारे पास ना चेक कर, मैं आपको कह रहा हूँ कि पर्स दीजिए, आप लोग मोबाइल चल रहा है, बंद है, अभी